सुप्रभात, मैं मिसेस पी कच्छप। पिछले क्लास में हमने पढ़ा भाषा के बारे में, अब हम भाषा के प्रकार को जानेंगे। भाषा कितने प्रकार की होती है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। कम शब्दों में भाषा दो प्रकार की होती है, पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है, आइए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। जब भाषा को बोलकर बताया जाता है और सुनकर समझा जाता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो, रेडियो और टीवी क्या होते हैं, रेडियो में हम सुन के समझते हैं और टीवी में हम देख करके समझते हैं और उनके मुख की बोली को भी देखते हैं, तो वो होती है मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है, आइए हम जानते हैं। जब भाषा को लिखकर बताई जाती है और पढ़कर समझा जाता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अखबार और किताब, इन दोनों चीज़ों में भाषा लिखी हुई होती है, हम उसे पढ़कर जानते हैं, तो ये होती है हमारी लिखित भाषा। आप बच्चों, आपने मौखिक और लिखित भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है कम शब्दों में। आने वाले समय में हम पेज नंबर 7 पढ़ेंगे, जो है अब आपकी बारी उसकी हेडिंग। आने वाले समय में पेज नंबर 7 पढ़ेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।